कराची प्रेस क्लब के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार इम्तियाज खान फारान 584 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि मद्द मुकाबिल यूनाइटेड पैनल के अहमद मलिक 479 वोट हासिल कर सके। 28 दिसंबर 2019 को मुनक्किद होने वाले कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात बराए 2020 के नतीज में सदर के अहदे पर मुकाबला टाई हो गया था। कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स ने सदर की नशिस्त के अलावा तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। दी यूनाइटेड ग्रुप का कोई भी उम्मीदवार इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल न कर सका था। सदर की नशिस्त पर दी डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार इम्तियाज खान फारान और दी यूनाइटेड पैनल के अहमद खान मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा था। दोनों उम्मीदवारों ने 579 वोट लिए, इस तरह मुकाबला टाई हो गया था। इलेक्शन कमेटी ने दोनों ग्रुपों को एक हफ्ते में कोई नतीजा निकालने की हिदायत की थी। दोनों ग्रुपों के किसी फैसले पर राजी न होने की सूरत में कराची प्रेस क्लब के सदर की नशिस्त पर दोबारा पोलिंग कराने का अंदिया दिया था। कराची प्रेस क्लब में सदर की नशिस्त पर आज दोबारा इंतखाब के लिए पोलिंग हुई, जिसमे KPC अरकान का जोश और खरोश देखने में आया। इस मौके पर सहाफती यूनियंस और KPC के अहदेदारों ने क्विक न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में एक जमहूरी तरीका होता है और जमहूरी जो अंदाज है या जो जमहूरियत है वो सिर्फ हमें कराची प्रेस क्लब पे नजर आ रही है। और जमहूरियत क्या होती है, जमहूरी अंदाज क्या होता है, रवैये क्या होते हैं, आप कराची प्रेस क्लब इलेक्शन से सीख सकते हैं। आपने देखा पिछले इलेक्शन में टाई हो गया था सदर के उम्मीदवारों के लिए, आज दोबारा उसका इलेक्शन हो रहा है। ये भी एक जमहूरी स्टाइल है, एक जमहूरी तरीक़ेकार है कि बजाय आप कोई दूसरा फैसला करते, आपने कहा भाई री पोलिंग करें, वो ना हमारा आइन भी कहता है। तो मैं तो ये कहूँगा आज के इलेक्शन के हवाले से कि हमारे जो मुल्क के जो सियासतदान हैं उनको भी जमहूरियत के जो अंदाज़ हैं, जो जमहूरियत के जो तरीके हैं, जो जमहूरियत का मयार है, वो भी कराची प्रेस क्लब सीखना चाहिए। तो मैं समझ इस लिहाज से आज हमारा बड़ा अहम दिन है। पहली दफ़ा प्रेस क्लब की हिस्ट्री में जी ये हुआ कि हमारे इलेक्शंस हुए 28 दिसंबर 2019 को, जिसमें सब लोग इलेक्ट हो गए और प्रेसिडेंट के ऊपर टाई हो गया। तो टाई हो गया तो आज 11 जनवरी 2020 को रीपोलिंग है। हम उम्मीद तो कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहे होंगे आप बैच मैंने लगाया हुआ इम्तियाज खान फारान का, और एक अच्छी शख्सियत हैं, एक बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर शख्सियत हैं इम्तियाज खान फारान सहाफ़ियों में, और हम उनके लिए कम्पेन कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात पे बड़े अच्छे खुश हैं सब के सब सहाफ़ी और मैं भी, कि इतनी बड़ी तादाद में राय दहिंदगान यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी राय दी और बाकायदा बड़े आज़ादाना तौर पर बड़े खुशगवार माहौल में यहाँ पर रीपोलिंग हुई है।